और एक जो सबसे बड़ी समस्या आज मेरे सामने आई, जिस पर मैं गांव देहात में जाता हूं लोग दुखी है, और मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूं कि जनता का जो भय है वो दूर होना चाहिए, जनता की जो शंका है वो है ईवीएम। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे थे कि भैया आप ईवीएम पे आंदोलन नहीं कर रहे, आप ईवीएम पे बोलते नहीं, मगर मैंने उनको कुछ लोगों को अपने समझाया, वो शांत भी हो गए कि अगर आप 10-20-50 लोग जिला स्तर पर उतर जाओगे उससे कुछ होगा नहीं, उससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले जनमत तैयार कीजिए। तो हमने आज बड़े पैमाने पर जनमत तैयार कर लिया है, अब हम उस जनमत के जरिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पे। हमारे लोग तैयार हो जाएं, हम ईवीएम को बंद करवा के, या क्या तो ईवीएम को बंद करवाएंगे या फेर करवाएंगे, जिससे लोगों की वोटों की चोरी और लोगों के मन में जो शंका है वो ना। इसलिए अभी 12 तारीख से हमारे सम्मेलन उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे हैं, 11 तारीख को मेरे पिताजी की बरसी है, मैं परिवार के बीच में रहूंगा, वो दिन मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैं अपने पिता से जो संकल्प मैंने किया था उसको मुझे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब और अन्य हमारे सभी महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का भी काम उसी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन 11 तारीख की बरसी के बाद 12 तारीख से हम लोग उत्तर प्रदेश सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग इटावा रहेंगे, 13 में उन्नाव रहेंगे, 14 में कानपुर रहेंगे, 15 में आजमगढ़ रहेंगे, 16 में मऊ रहेंगे। आगे भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और इसको बंद कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में भी एक बड़ा जनमत के साथ आंदोलन हम लोग करें, क्योंकि अगर लोगों को ये ऐसा मन में शंका पैदा हो गई है तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता की सरकार, जनता के लिए काम करने वाले नुमाइंदे। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है जब जनता को विश्वास नहीं कि उनकी वोट जिसको वो डाल रहे हैं जारी नहीं जारी। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, जनता की आवाज उठाना, जनता के मुद्दों को वहां तक पहुंचाना, जो भी बेहतर से बेहतर हम जनता के लिए कर, जैसे हमें अवसर मिलेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो हमने आपसे कहा। बस ये जनमत हमारा हमें अवसर दे, ये जनमत हमारा संग्रह हमारे साथ जुड़े, और जो वोट की चोरी ईवीएम द्वारा हो रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना जन समर्थन के कोई आंदोलन कामयाब नहीं होता। हम शक्तिशाली हैं संख्या के आधार पर, इसलिए हम जनमत की तैयारी कर रहे थे, जनमत हमारा तैयार हो गया, अब गांव गांव जाके हम लोगों को जगाने काम करें। और लोग परेशान हैं इस उम्मीद में, वो नेता भरोसा करते हैं कि नेता उनकी जिंदगी बदलेंगे, लेकिन नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों सुख सुविधाओं के कारण जनता की भावनाओं के साथ धोखा करते हैं, इस वजह से जनता ठगी गई है और जनता किसी पर विश्वास नहीं आसानी से नहीं करती। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हम इस देश में मानवता का राज स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारे शरीर में जान। और अगर इसके रास्ते में कोई भी आएगा तो हम उससे संघर्ष करेंगे, अगर जनता की भलाई को रोकने के लिए कोई भी हमारे बीच में आएगा तो हम उसको उसके साथ संघर्ष करेंगे, उसके साथ इस रिश्ते को भी निभाएंगे, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए लोग नहीं होने, आज भी रेप हत्या अत्याचार होते हैं कि देश करो मरो की स्थिति में है। एक तरफ भाजपा इस देश के लोकतंत्र को संविधान को खत्म करना चाहती है, आपको कमजोर कराना चाहती है, गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहती है, दूसरी तरफ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सब आपसे वोट तो चाहते हैं कोई तैयार नहीं। ऐसे में अगर आप आजाद समाज पार्टी को ताकत दें तो आजाद समाज पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि आपको स्वाभिमान सम्मान हक अधिकार और सुख सुविधा वाला जीवन भविष्य में हम लोग दिलाने के लिए संकल्पित हैं। और जो सम्मानित नेता आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के देश भर में संघर्ष कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अपने यहाँ आंदोलन की मार्च की यात्रा की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके प्रदेश में भी ईवीएम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ और धन धरती राजपाट बट के रहेगा, हिस्सेदारी का आंदोलन आने वाला है, आप लोग तैयारी कर लें। अब हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश में हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, बहन बेटियों को नहीं मिलता, तब तक हम संघर्ष जारी।